नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इलियास और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में उसके सामने जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, गोरखपुर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक गोरखपुर जिला के नाम से जाना जाता है। इस ज़िले का हेड क्वार्टर ऑफिस गोरखपुर शहर में मौजूद है, और गोरखपुर जिला होने के साथ साथ एक मंडल भी है, और गोरखपुर जिला गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत कुल चार ज़िले आते हैं, पहला गोरखपुर ज़िला, दूसरा महाराजगंज ज़िला, तीसरा देवरिया ज़िला तथा चौथा कुशीनगर ज़िला। गोरखपुर ज़िला व मंडल होने के साथ साथ उत्तरी पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी है, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व भाग की ओर जिला कहलाता है, जिसके वजह से इस ज़िले की सीमा नेपाल देश से मिलती है। गोरखपुर ज़िला की स्थापना 1801 में किया गया था। गोरखपुर अपने उपलब्धियों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म इसी शहर गोरखपुर जंक्शन में मौजूद है। गोरखपुर ज़िले का पड़ोसी ज़िले का नाम कुशीनगर ज़िला, देवरिया ज़िला, महाराजगंज ज़िला, आजमगढ़ ज़िला, अंबेडकर नगर ज़िला और संत कबीर नगर ज़िला है। गोरखपुर ज़िला में 7 तहसील, 19 ब्लॉक, 2 लोकसभा, 9 विधानसभा, 26 पुलिस स्टेशन, 407 डाकघर, 7 सरकारी अस्पताल, 1 नगर निगम, 9 नगर पंचायत, 1354 ग्राम पंचायतें, 8 शहर और 3448 गाँव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस ज़िले का कुल क्षेत्रफल 5480 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इस ज़िला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 6,92,960 के करीब है। और बात करें आबादी की तो साल 2011 के जनगणना के अनुसार इस ज़िले की कुल आबादी 44,41,000 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 22,78,000 और महिला की कुल आबादी 22,63,000 है। इस ज़िले का औसत लिंगानुपात 669 के करीब है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 1,000 पुरुष पर 969 महिला हैं। इस ज़िले के मुख्य नदी का नाम घाघरा नदी, राप्ती नदी व रोहनी नदी है। राप्ती, रोहनी और घाघरा नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 264 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 798 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। व्यवसाय की बात करें तो इस ज़िला का मुख्य व्यवसाय खेती है। यह ज़िला काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। घाघरा, राप्ती और रोहनी नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, और यह ज़िला गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है। वैसे इस ज़िला में कई ऐसे चीनी मिल के कारखाने, हाथ से बुने कपड़े का उद्योग है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान होता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो गोरखपुर ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरा हुआ है। यहाँ की खूबसूरत सुमार गोरखनाथ मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर, तारामंडल, रामगढ़ ताल, गीता प्रेस, विनोदगढ़ चिड़ियाघर, गीता वाटिका, इमामबाड़ा, शाही जमा मस्जिद, नूर मस्जिद आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ होंगे। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिससे माध्यम से यहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया प्रदान होता है। इस ज़िले के दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ हैं। इस ज़िले की साक्षरता दर
61% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 61% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िला में एक यूनिवर्सिटी, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 15 डिग्री कॉलेज, 135 इंटर कॉलेज, 1776 जूनियर स्कूल, 510 प्राथमिक स्कूल, ये सभी इतने इस ज़िले में मौजूद हैं। सड़क रास्ते की बात करें तो गोरखपुर ज़िला में सड़क के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 28 से पहुंचा जा सकता है। वैसे यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के बड़े बड़े गांवों तक और देश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से बस मुहैया प्रदान कराता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस ज़िले का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम गोरखपुर जंक्शन है, और गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और जिसकी लगभग लंबाई है 1355 मीटर। दोस्तों, गोरखपुर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाल कलर के बटन पर दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।